नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सी के बारे में ये एपिसोड थ्री है तो आप फ्रेंच मेथड ऑफ डेली फिजिकल थेरेपी मैनिपुलेशन और स्प्लिंटिंग की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के फेजेस होते हैं करेक्शन फेज होता है एक मेंटेनेंस होता है करेक्शन फेज में डेली करेक्टिव मैनिपुलेशन करते हैं क्लब फुट का एक्सपीरियंस फिजिकल थेरेपिस्ट से और करेक्शन होल्ड करते हैं इलास्टिक टेप और स्प्लेंट से ये अगले दिन तक रहता है फैमिली पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है इसके सक्सेस के लिए क्योंकि फैमिली को बच्चे को लाना पड़ता है थेरेपिस्ट के पास एक से तीन महीने तक हर एक सेशन तीस मिनट लंबा होता है और प्रोग्रेसिव जेंटल मैनर से मैनिपुलेशन होती है शुरू करते हैं डी रोटेशन कैल्किनियोपीडल ब्लॉक का और करेक्शन ऑफ फोर फूट एडक्शन ये मसाज करके होता है एच टेंडन और गैस्ट्रोनिमियस मसल का फिर मीडियल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेच करते हैं और अलाउ करते हैं नेविकुलर टू मूव अवे फ्रॉम मीडियल मैल्युलस और उसके मीडियल पोजिशन से हेड ऑफ़ द टेलर से लैटरल ले जाते हैं डिस्ट्रैक्शन करते हैं फोर फुट और मिड फुट का ये हेल्प करता है टू लूजन टाइटन स्ट्रक्चर्स और डी रोटेशन ऑफ फुट करते हैं जो फैसिलिटेट करता है रिडक्शन ऑफ टेलरस मेंटेन करने के लिए जो गेन अचीव हुआ है पैसिव रेंज ऑफ मोशन में टो एक्सटेंसर और पेरोनियल रिक्रूट करते हैं बाय स्टिम्युलेटिंग टिकलिंग लैटरल बॉर्डर ऑफ फुट एंड लेग एंड टॉप ऑफ द टोज एक टाइम टेलोनाविकुलर जॉइंट रिड्यूस हो गया अटेंशन डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स करेक्शन ऑफ वारस एंड इक्वाइनस। वालगस मेनूवर से कैल्किनियस को ग्रेजुअली मूव करते हैं न्यूट्रल और इवेंचुअली वाल्गस पोजिशन में एंकल को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं एट द सेम टाइम नी को 90 डिग्री पे रखना चाहिए ड्यूरिंग दीज मनोअर्स इक्वाइनस करेक्ट होता है विद ग्रेजुअल डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट करेक्शन ऑफ इक्वाइनस ऑगमेंट हो सकता है विथ पर, पर क्यूटेनियस हीटोमी मेंटेनेंस फेज में कम विजिट्स होती है थेरेपिस्ट के पास ये थेरेपिस्ट गाइड करेगा कब आना है और कितनी देर तक आना है और पेरेंट्स को एज्यूम करना चाहिए डेली ट्रीटमेंट रूटीन ऑफ एक्सरसाइज एंड टेपिंग पीरियॉडिक फॉलोअप करते हैं टू मॉनिटर रेंज ऑफ मोशन ऑफ फुट और डिवेलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड टू फैब्रिकेट न्यू स्पलेंट्स एक टाइम पेशेंट चलने लगता है टेपिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं और रेस्टिंग एंकल फुट और यूज करते हैं रात के समय में और सोने के टाइम अंटिल टू इयर्स ऑफ एज ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम में पेशेंट विजिट्स द फिजिशन एवरी टू टू थ्री मंथ्स टू एवेल्युएट द फुट देखने के लिए कि रिकरेंस तो नहीं हो रहा है कॉम्प्लिकेशन देखें तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन मेन होती है डिफॉर्मिटी रिलैप्स हो जाना रिलैप्स अगर हो लेस देन टू ईयर्स चाइल्ड में तो ये यूजली रिजल्ट करता है ऑफ नॉन कम्प्लाइंस विद एफ एसोसिएटेड होता है विद लो पेरेंट्रल लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रीट करते हैं ऐसे रिपीट मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग से रिलैप्स इन चाइल्ड मोर देन टू ईयर्स में ट्रीट करते हैं इनिशियली कास्टिंग से कंसिडर करते हैं टिब्यूलिस एंटीरियर टेंडन ट्रांसफर स्प्लिट या होल कंसिडर करते हैं रिपीट टेंडो एक्लिस लेंदनिंग या गैस्ट्रोनिमियस रिसेशन वो रिकरेंट इक्वाइनस को ट्रीट करने के लिए डायनामिक सुपिनेशन के लिए एंटीरियर टिब्यूल टेंडन ट्रांसफर कर सकते हैं रॉकर बॉटम डिफॉर्मिटी हो सकती है अगर अटैम्प्ट करें, करें करेक्शन स कॉन्ट्रैक्चर का बिफोर द हरस डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड तो डोरसीफ्लेक्शन हो जाता है थ्रू मिड फुट इंस्टेड ऑफ थ्रू हॉम्पलिकेशन वे सर्जिकल ट्रीटमेंट देखिए तो रेजिडअल केवस इनसफिशेंट प्लांटर रिलीज या प्लेसमेंट ऑफ नाविकुलर इन डॉर्सली सब्लैक्सरेटेड पोजिशन हो तो ये रह जाता है पेस्ट प्लेनस होता है ओवर करेक्शन से ऑफन एक्सटेंसिव सब टेलर कैप्सुलर रिलीज के कारण अंडर करेक्शन भी एक कॉम्प्लिकेशन है इन टोइंग गेट हो सकता है कॉमनली ड्यू टू इंटरनल टॉर्शन या इंटरनल रोटेशन ऑफ टेलर्स विद इन दी एंकल मोर्टिस ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ टेलर्स हो सकता है ये वैस्कुलर इंसल्ट से होता है ड्यूरिंग सर्जरी और ये रिजल्ट करता है ऑस्टियोनेक्रोसिस और कोलेब्स में फिर देखते हैं डोरसल बर्नियन ये कॉस्ड होता है फ्लेक्स फर्स्ट मेटाटार्सल से फ्लेक्सर ब्रेविस और एबडक्टर ओवरपुल होता है सेकेंडरी टू वीक वीस लॉन्गस और ओवर एक्टिविटी होती है एंटीरियर टिबियालिस की ये एसोसिएटेड हो सकता है विद इनएडवर्टेंट पेरोनियस एंड लॉन्गस लेंदनिंग ड्यूरिंग द इंडेक्स प्रोसीजर ट्रीट करते हैं वे टिबियालिस एंटीरियर लेंदनिंग या ट्रांसफर एफ एच एल ट्रांसफर करते हैं टू प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल हेड और पॉसिबल प्लांटर फ्लेक्शन ऑस्टेटोमी करते हैं ऑफ़ फर्स्ट रे तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई सी टी ई वी के ट्रीटमेंट की और ये सब जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए जब ट्रीटमेंट शुरू करें। तो हमारा ये टॉपिक और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद